इंडिया में सबसे ज्यादा क्रिएटर में प्रॉब्लम बताया गया है, वो जिस कैटेगरी के होते हैं ना उस कैटेगरी के यूट्यूबर की वीडियो नहीं देखते। तकरीबन इनका सफर हमारे यहाँ 1.5 साल के करीब रहा। गैबलिंग के 6 सोर्सेज मैंने लिख दिए, 7777 यानी कि 7,77,777। देखिए वायरल तो हमारी भी खैर नहीं होती, लेकिन वायरल की कोई डेफिनेशन नहीं है। टेक क्रिएटर्स हो लेकिन दिन भर आप भुवन वाम देख रहे हो, कैरी मनाटी को देख रहे हो। सर आपने मतलब जब आप पहले ऑफिस था आपका, आपने ये सब क्रिएट किया, तो मतलब अब कैसा लगता है आपको? दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं महात्मा जी टेक्निकल अमरेश सर के ऑफिस में। हेलो सर। तो सर आज आप कंप्लीट स्टूडियो दिखाने वाले हो आप हमको, है ना भाई? सर ने बहुत मेहनत कर रही है और आज की जो हमारी पूरी वीडियो होने वाली कंप्लीट सर के स्टूडियो की, मतलब इसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे और कहाँ का सर ने क्या क्या एक नया जो क्रिएशन है, मैंने देखा है जीने के अंदर सर काफी कुछ लगाया आपने। तो सर तो हम सर बताओ फिर कैसे कहाँ से आप शुरुआत करेंगे? तो ये छोटा सा हमने एक स्टूडियो बनाया तकरीबन 250 स्क्वायर फीट में है अंदर। इसमें ऑलरेडी आप देख पा रहे होंगे कि पीछे ग्लास वुल लगा हुआ है जिससे साउंड ऑब्जर्विंग होती है और आप लाइक इसमें आवाज़ गूंजती नहीं है। मतलब पहले हमें नॉर्मली क्या रखता है कि अगर आवाज़ कम करनी हो तो बहुत सारे टेबल सामान भर देते हैं जिससे आवाज़ बंद हो जाए, लेकिन यहाँ पे हमने वो अंदर एक्वेस्टिक लगा दिया। एक्वेस्टिक ना वो ग्लास वुल कहते हैं बेसिकली, अगर आप देखना चाहो तो आज एसी हमने लगाया नहीं है तो आपको दिख जाएगा वहाँ पे, ये ग्लास वुल है, इसे ग्लास वुल कहते हैं। छूने के बाद इसमें खुजली होना शुरू हो जाती है और उसके एको बिल्कुल नहीं है इसमें, एको बिल्कुल भी नहीं है। ये जस्ट एक शीट है जो आप यूँ कह लो कि ये शीट की वजह से एको नहीं है। ये शीट तो फैंसी शीट है, एक पीवीसी की शीट है जो देखने में थोड़ी एक रिचनेस लुक अच्छा दिख रहा है। तो ये वाला जोन हम कुछ ऐसा इंटरव्यू वगैरह रखेंगे। ये डिजिटल बोर्ड है जहाँ पे मैं अपनी वीडियोस दोनों शूट करता हूँ। ये सारी चीज़ें फैली हुई हैं, लाइटिंग वाइटिंग हमने ऊपर भी सिस्टम चीज़ें लगा दी हैं अंदर की, लाइक इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत कम हो जाती है जब सारा कुछ बंद रहता है पूरा, तो वाईफाई इंटरनेट सब कुछ लगा दिया। ऊपर भी एक लाइट लगा दी हमने, इसे रॉड लाइट आई थिंक कहते हैं इसे, वो हमने सेट कर दिया है। तो ऊपर भी सब सर, कुछ कैमरा फिलहाल अभी अपने पास 2-3 कैमरे हैं जिसमें एक ये सामने आपको दिख जाएगा, एक तो 80D है अपने पास और एक अपने पास DJI का क्रिएटर कॉम्बो है जो यहाँ नहीं है, जो नीचे जैसे मैं कई वीडियो शूट करी है। कुछ लेंसेज हैं हमारे पास, ये 50mm लेंसेज ये है जिससे कुछ बुके इफेक्ट चाहिए होता है। ये 10-18 है जिसमें वाइड एंगल लेंस हमें चाहिए होता है। ये मोबाइल का DJI का मोबाइल गिम्बल है। फिर ये हमारे पास कैनन का ही पावर शूट, लाइक ये जो कैमरा आप देख पा रहे हैं पहले बहुत ही लाइक चर्चा में था, G7X इसे लोग यूज़ करते थे ब्लॉगिंग के लिए। खैर अब तो लोग इसे बंद कर चुके हैं क्योंकि अब इसका यूज़ कम करते हैं, तो मैंने इस टाइम ले लिया था। बट अब धीरे धीरे हम लोग अब थोड़ा एक और 2 कैमरे पे स्विच करने वाले हैं क्योंकि कुछ चीज़ें थोड़े से अपग्रेडेशन हो तो थोड़ा अच्छा लगता है वीडियो बनाने। क्रिएटर्स हैं उनको इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। आप देखो अभी हम ही शूट कर रहे हैं मोबाइल में और माइक लगाया हमने शूट करना शुरू कर दिया। मतलब ये तो तब शूट करो जब आपके पास पैसा आने लग जाए और एक नॉर्मली ग्रोथ की एक फिलॉसफी है कि आपको सारे पैसे को अपने ऊपर सेल्फ खर्च ना करके उसको इन्वेस्टमेंट करिए, कुछ सेव लाइक सेविंग करिए। तो वही चीज़ें हैं, कुछ अर्निंग करिए। तो तकरीबन 6 साल हो गए मुझे यूट्यूब पे काम करते हुए और लाइफ में पहली बार 6 साल बाद मैं अपना ऐसा कुछ सेटअप बना पाया। बहुत सारे टाइम हमने इसमें इन्वेस्ट किया है चीज़ों को बनाने में और ये तो यहाँ पर वीडियोज़ बनाता हूँ। इधर थोड़ा सा आप आओगे तो ये वाला जोन, ये ऊपर का किचन है पूरा जहाँ पे खाना वाना बनता है, सब चाय वाय सब चलती रहती है दिन भर। ये एक मेकअप रूम भी हमने बनाया कि अगर इन फ्यूचर कुछ गर्ल्स वगैरह आए वीडियोस बनाए और वो कुछ चेंजिंग रूम चाहिए तो प्रॉपर ही हमने चेंजिंग रूम बनाया। शीशे वीशे लगे हुए, लाइट्स वगैरह काफ़ी लगा दिए ऊपर नीचे, कुछ चीज़ें और लग जाएंगी अभी जस्ट ऑनगोइंग प्रोसेस में। हाँ यहाँ भी कुछ बैठने का सेटिंग अरेंजमेंट किया है, बाकी लोग अभी नीचे बैठ रहे हैं लेकिन यहाँ भी एडिटिंग वगैरह टीम बैठेगी। ये एक मेरा रूम है जो मैं बैठता हूँ, ज़्यादा इसमें कुछ किया नहीं है लेकिन लोग कह रहे हैं बहुत भरा भरा सा लगता है। लेकिन आप कह रहे हो ज़्यादा कुछ नहीं किया लेकिन आपने बहुत कुछ कर दिया, एक अलग ही प्रोफेशनल थोड़ी लाइट फील आ रहा है यहाँ पर, एक अलग ही मतलब पॉजिटिविटी
तो ये मैंने कुछ चीजें बनाई हुई, जैसे कुछ वॉलपेपर हमने लगा दिया है सेम इसी टेक्सचर में, हमने ये सोफा लगाया, ये सोफा थोड़ा इस डिजाइन से बनाया कि मैं सो पाऊँ, लेट पाऊँ इस पे। एक साइड मैंने वो हैंड आर्म रेस्ट नहीं बनाया, इधर मैं बैठने का जोन है, मेरा कंप्यूटर है, मेरा लैपटॉप भी रहता है, बट लैपटॉप से ज़्यादा मैं कंप्यूटर में फ्रेंडली होता हूँ, तो मैं कंप्यूटर में काम करता हूँ। कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें लिख के रखता हूँ, कुछ भूल ना जाऊँ, दिमाग से निकल जाए। कुछ ये सर्टिफिकेट्स आए तो यूट्यूब में पार्टिसिपेट करता रहता हूँ हमेशा, वहाँ से यूट्यूब ने दिए हुए हैं, जैसे हमारा एडूकॉम में था वहाँ पार्टिसिपेट किया था मैंने, पूरा एक कोर्स था यूट्यूब का, जो आज से 5 साल पहले मैं यूट्यूब में गया था, और 3 दिन लगातार जाके 4-4 घंटे की क्लासेस लेनी होती थी, तो वो सर्टिफिकेशन मैंने पूरी कंप्लीट की, जहाँ पे पूरा आपको यूट्यूब के बारे में लाइक कितनी वीडियो अपलोड करनी है, क्या करना है, सारी चीज़ें उस टाइम पढ़नी पड़ती थी। फिर उसका एग्ज़ाम है, कुछ यूट्यूब के बटन्स हैं वीमे क्रिएटर्स का, महात्मा जी टेक्निकल का, महात्मा जी का, तो कुछ ऐसे। हाँ मैं तो, आप जल्दी तो नहीं होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अब सब्सक्राइबर्स यूट्यूब में लोगों के बहुत कम बढ़ रहे हैं। ये एक हीटर है जो ये ऑयल हीटर बोलते हैं इसको, बजाज कंपनी का है जो हमने लगाया हुआ है। थोड़ा इससे क्या होता है कि धुआं नहीं निकलता है, हीट करके गर्म कर देता है। मेरे घर वाले थोड़े बिस्किट्स वगैरह भिजवा दे रहे हैं। कुछ बुक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लोग, मैं रिकमेंड करूँ लोगों को पढ़ने के लिए। अभी मैं, मेरे को ऐसा लगता है जैसे आपके किसी फैन ने आपको दिया, ऐसा मुझे लगता है। ये किसी सब्सक्राइबर ने ऑनलाइन भेजा था, मुझे लगता है मैंने उसको टैग किया कि नहीं किया, मुझे ये भी याद नहीं है, बट मुझे याद है कि मैंने जरूर टैग किया होगा उनको। अगर का देखें तो इधर भी आपने काफी सारे आवाज लगाए हुए हैं। कुछ चीजें मैंने लगाई हुई हैं, जैसे ये मेरा नेम का ए है, इसमें लाइट्स जलती है, बैटरी ऑपरेटेड, अगर आपको दिख पा रहा होगा, पीछे भी एक और रखा हुआ है जिसमें बैटरी है। ये भी कुछ ऐसा, अभी हमने लैंप लिया हुआ है जिससे जलाने के बाद ये चीजें अंधेरे में ज्यादा अच्छा लगता है। छोटी छोटी चीजों से थोड़ा सा सजाने की कोशिश करी है अपने स्टूडियोज़ में। मेरी किताबें हैं, ये कुछ बुक्स जो मैं पढ़ता रहता हूँ, पढ़ी हुई हैं कह रही, तो उधर जो है वो न्यू अराइवल है, अभी वो सब पढ़नी है, जो फाइनेंस के रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। कुछ अवार्ड्स वगैरह हैं जो स्टूडेंट्स वगैरह के फंक्शंस में मैं गया था, वहाँ पे चीज़ें मिली हुई हैं, तो बस यही सब चीज़ें इसमें मैंने रखी हुई हैं, और यहीं मैं बैठता हूँ जनरली अपने प्लान्स के लिए, वीडियोज़ के लिए, सारी चीज़ों के लिए, क्या करना है आगे, लाइक किस तरीके से काम करना है। ये वाला जोन जो है वो पूरा मैं बैठा हूँ फिलहाल अभी, और नीचे जो है वो हमारे टीचर काउंसलर वो बैठते हैं, तो मैं आपको चाहता हूँ कि वहाँ भी चल के मैं आपको दिखा दूँ कि क्या सारी चीज़ें। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी सर ने फीचर्स लगाई हैं, अभी सर से पूछते हैं सर इनका एक्सपीरियंस कैसा है, क्योंकि यहाँ पर है ना बड़े बड़े क्रिएटर्स मेरे को नज़र आ रहे हैं, जो आज के जो दुरेंद्र हैं सर, सर क्या कहना ये है? ये काफ़ी स्टार्टिंग में जब मुझे यूट्यूब से फैन फेस्ट मिला था, मतलब आई एम ऑनर्ड कि पहला एजुकेशन चैनल मैं था जो फैन फेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट कर पाया, क्योंकि उस टाइम तो सिर्फ एंटरटेनमेंट और इन सब चीज़ों को ही ज़्यादा दबदबा था। खैर आज भी है, एंटरटेनमेंट का अपना एक पार्ट है, तो इसमें सारे क्रिएटर्स आपको मिल जाएंगे, लाइक पॉपुलर क्रिएटर्स जो यहाँ पे आप देखते होंगे आज के टाइम पे, सभी के साथ लाइक फोटोज़ हैं इसमें। हाँ ये गूगल के ऐड लाइक डिस्प्ले सर्टिफिकेट, गूगल अनलॉक, तो थोड़े मेरे पुराने हैं, मैंने 2 साल पहले ये सब चीज़ें करी थी, तो फ्रेम में लगा हुआ है, तो ये सर्टिफिकेट्स तो सर्टिफिकेट है, इसका भी अपना एक मूवमेंट है, तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले रखा हुआ है जिसकी मैं जब ऊपर जाऊँ तो ये सब चीज़ें दिखे कि दोबारा करनी है इस चीज़ को, पुरानी हो गई ये चीज़ें। और वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो मैंने अपनी जर्नी जो स्टार्ट करी, वो मैंने इस ट्री के ऊपर लिखा हुआ है कि मेरे 100 सब्सक्राइबर्स कब हुए थे, मिलियन कब अचीव हुआ था, 7777 यानी कि 7,77,777 मेरे सब्सक्राइबर 7 जुलाई 2017 को कंप्लीट हुए थे, 777। तो ये एक चीज़ें मैंने अपने इसमें डाली हुई हैं। अंदर मैं आपको और भी चीज़ें दिखा दूँ, जैसे ये वाला जोन जो है वो आई थिंक आलिम फ्रेंडली होंगे यहाँ तो नहीं पुराने, क्योंकि ये भी एडिटिंग डिपार्टमेंट में थे, तो ये जतिन, सचिन, संजय जी, मनोज, इधर जो है अकाउंट्स डिपार्टमेंट है पूरा, इधर अपना एडिटिंग है, एक और है अश्विन जो आज अभी ट्यूसडे है तो जल्दी निकल जाते हैं, 2-3 लोग हैं जो यहाँ बैठते हैं, इधर अपना थोड़ा पेंट्री रूम हम बना के रखते हैं, ये सारी चीज़ें इधर लोग अपना, जो हमने बेसिकली लास्ट ऑफिस में हमें थोड़ी प्रॉब्लम महसूस होती थी, हमने उसका सोल्यूशन यहाँ पर ढूंढा है, और उसके रिगार्डिंग हमने वीडियो लाइक चीज़ें लाइक अरेंजमेंट करी हैं। यहाँ पे हमारे काउंसलर्स बैठते हैं और पूरी टीम है सपोर्ट की, जो कई स्टूडेंट हमें बोलते हैं कि सर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, तो हमने सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है, बट फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि लोग को हेल्प मिले, स्टूडेंट्स को हेल्प मिले। तो ये वाला जोन जो है हमने वो सपोर्ट का पूरा बनाया हुआ है, हमारे काउंसलर्स यहाँ बैठे हुए हैं, तो और यहाँ पे सचिन है जो हैंडलिंग करता है, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो वो घर पे अभी रेस्ट कर रहा है, ये पूरा जोन हम इस चीज़ों में करते हैं। इधर थोड़ा सा मैं आपको एक और दिखाऊंगा कि हमने लास्ट ऑफिस में हमें कॉन्फ्रेंस रूम ही था, कई बार किसी चीज़ पर डिस्कस करना है, बैठना है, तो उससे पहले मैं आपको ये लोगो दिखाना चाहता हूँ जो मैंने महात्मा जी टेक्निकल, हमारा
लोगो है, ये एक्रेलिक शीट पे बना हुआ है, जो हमारे एक सब्सक्राइबर्स हैं वो इसका काम करते हैं अच्छे से। थोड़ा सा हमारे अकॉर्डिंग एक्सपेंसिव पड़ा, लेकिन ये अच्छा लग रहा है देखने में, काफ़ी और भी महंगा था, उन्होंने हमें बहुत डिस्काउंट में दिया है, तो और बहुत अच्छा लगता है देखने में, एक बिल्ड क्वालिटी और सारी चीज़ें, पॉजिटिव वाइब्स निकलती हैं इससे जब भी हम इसे देखते हैं। तो यहाँ भी हमने महात्मा जी टेक्निकल इसी शीट पे लिखवाया, इसमें लाइटिंग नहीं है कि कोई भी आए तो उसे नज़र में आए कि ये महात्मा जी टेक्निकल का यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे ऑफिस से रिलेटेड वर्क की जाती है। ये कॉन्फ्रेंस रूम हमने बिल्ड किया है कि आगे चल के जो हमारे स्टूडेंट जो यहाँ आके पर्सनली मुझसे सीखना चाहते हैं आफ्टर कोविड और चीज़ें खत्म हो जाए, तो यहाँ आके सीख सकते हैं। जहाँ पे हमने टीवी पूरा डिस्प्ले किया हुआ है कि मैं लैपटॉप में यूज़ करूँ, वो यहाँ से देख पाएँ प्रॉपर। तकरीबन 12 से 15 लोगों को मैं सैटरडे संडे में यहाँ पे सिखा पाऊँ, तो ये बेसिकली उसका पर्पस में हमने बनाया है। सर ये पिक्चर हमें कुछ बता रही है, ये पिक्चर हमने बहुत उससे ढूंढा हुआ है कि ज़्यादा कुछ नहीं चाह रहे थे इस वाले जोन पे, कि एक मैसेज था कि अल्टीमेटली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपका गोल बहुत दूर हो सकता है लेकिन दिखता जरूर है हमेशा। कोई भी अगर कहता है कि यार मुझे अपना गोल नहीं दिख रहा है तो वो झूठ बोलता है, बस उसे चलने का मन नहीं होता, गोल तो उसे दिख ही रहा होता है, थोड़ा दूर होगा वो बात अलग है। तो ये बहुत प्लेन सी वॉल है जिसपे एक पर्सन भाग रहा है अपने गोल को अचीव करने के लिए। यहाँ कुछ एक बल्ब है आइडियाज़ के लिए कि बेनिफिट्स, सक्सेस आइडियाज़, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी और एक ये डिजिटल कंपनी, इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो सारी चीज़ें इधर मेंशन है। सर जो नए क्रिएटर्स हैं, मतलब जो अभी आने वाले हैं, जो प्लान कर रहे हैं, तो उनको जो अपनी प्लानिंग है अभी के हिसाब से, जैसे इतना कंपटीशन चल रहा है, उनको अपनी प्लानिंग किस हिसाब से करनी चाहिए? देखिए मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है, फॉर एग्जांपल आपको अच्छे अभी उस टाइम अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है कैमरे पे बोलने की, आपके पास अच्छे इक्विपमेंट नहीं है, तो आप इस आधार पे अपने आप को इस लाइक सिचुएशन को जज कर लेते हैं और डिसअपॉइंट महसूस करते हो। मैं सोचता हूँ कि आप फ्यूचर में क्या बन सकते हो, आपको उस हिसाब से जज करना चाहिए, अभी जो आपके आस पास चीज़ें उससे जजमेंट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अब जो है ना लोग यूट्यूबर बनने आए हैं, हमारा जो जोन था, जो कहते हैं ना एक क्लास ऑफ यूट्यूबर अलग अलग जोन के रहते हैं, जो हमारे टाइम के क्लास के जो यूट्यूबर थे वो यूट्यूबर बनने नहीं आए थे, वो लाइफ से परेशान थे, उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे सक्सेस मिल रही है, यहाँ पे सेल्फी ली जाती है, टाइम है तो चलो कुछ बना देता हूँ यार लोगों को अच्छा लग जाएगा। तो इस दौरान चलते चलते जो उस टाइम एक आध वीडियो बना के चले गए वो चले गए, जो थोड़े डेडिकेटेड रहे उन्होंने सक्सेस अचीव कर ली। बट आज के टाइम पे आज से एक साल पहले लोग अब यूट्यूबर बनने आए हैं। यूट्यूब एक मार्केटिंग का बहुत बड़ा जरिया है, जहाँ पे ऑडियंस है, लोग यहाँ पे काम करते हैं कि उनको पता है यहाँ से मैं प्रोडक्ट सेल आउट कर सकता हूँ, इन द सेंस कुछ भी चीज़ सेल आउट कर सकता हूँ बिकॉज यहाँ पे ऑडियंस है, मैं अपने आप को एक ब्रांड बना सकता हूँ बिकॉज यहाँ पे एक ऑडियंस है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं स्टार्टिंग में कहूँगा कि जितनी आप वैल्यूज़ प्रोवाइड करें उस पर काम करिए, क्योंकि पैसा नेम फेम सब चीज़ें ना वैल्यूज से ही शुरू होती हैं, लोगों को आपको पसंद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में आएँ और मनी माइंडेड से आएँ तो मुझे लगता है नहीं कर पाएंगे। कंपनी मनी माइंडेड आती है बिकॉज वो स्टार्टिंग में बहुत सारा पैसा यूट्यूब चैनल पे लगाती है। तकरीबन कुछ कंपनी आज के डेट में 20-20 लाख रुपए स्टार्टिंग में खर्च कर देती है, करोड़ों रुपए खर्च कर देती है, उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है, बट हमें तो यूट्यूब पे करियर बनाना है, तो बहुत सी चीज़ें सोच समझ के करनी चाहिए। सर बहुत सारे क्रिएटर्स मतलब 10-15 वीडियो डाल के बोलते हैं हमारी वीडियो वायरल नहीं हो रही है। सर देखिए वायरल तो हमारी भी खैर नहीं होती, लेकिन वायरल की कोई डेफिनेशन नहीं है, मतलब आप वायरल किससे कंपैरिजन कर रहे हो ये आपको ध्यान रखना है। लाइक आपकी आप टेक क्रिएटर्स हो लेकिन दिन भर आप भुवन वाम देख रहे हो, कैरी मनाटी को देख रहे हो, तो हाउ यू कंपेयर यार, मतलब उसका जॉनर अलग है आपका जॉनर अलग है। इंडिया में सबसे ज़्यादा क्रिएटर में प्रॉब्लम पता क्या है, वो जिस कैटेगरी के होते हैं ना उस कैटेगरी के यूट्यूबर की वीडियो नहीं देखते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस जॉनर में हो आपने चुना ही क्यों है, क्योंकि आपको पसंद है जॉनर, आप टेक क्रिएटर्स हो, आप लाइक आप व्लॉगर्स हो, आप उसी जॉनर की वीडियो देखो। ब्लॉगर दिन भर बैठ के देख रहा है स्टैंड अप कॉमेडियन, बैठ जितने भी ब्लॉगर्स हैं वो स्टैंड अप कॉमेडियन देख रहा है। आप ब्लॉगर आप ब्लॉगिंग की वीडियो ज़्यादा देखो, उसकी चैट हिस्ट्री आप चेक करिए जाके, चैट इन द सेंस की यूट्यूब की हिस्ट्री, वो उस रिलेटेड वीडियोज़ देख ही नहीं रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जॉनर की वीडियोज़ देखनी चाहिए जिससे आपका माइंडसेट डेवलप होगा। दूसरी बात, वायरल की कोई डेफिनेशन नहीं है, कंसिस्टेंट ऑडियंस आपके पास चाहे 1000 आए, रेगुलर आते रहे वो ज़्यादा बेहतर है। सर आपने मतलब जब आप पहले ऑफिस था आपका, आपने ये सब क्रिएट किया, तो मतलब अब कैसा लगता है आपको कि आपको अपने जो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको आप और इंक्रीज करोगे या फिर ऐसे ही जो चल रहा है उसको चलते रहेंगे?
देखिए ऑब्वियसली पहले तो मैंने सोच ही नहीं पा रहा था कि मैं ये सब चीज़ें बिल्ड कर लूँगा, कि लाइफ में अब अपना काम करते जाते हैं तो चीज़ें अपने साथ होती जाती हैं, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लो सारी चीज़ें। सो ऑब्वियसली चीज़ें जब चीज़ें बढ़ी हैं, टीम बढ़ा है, लोग बढ़े हैं यहाँ पे, तो हम जैसे मैंने आपको बताया कि हम ऑफलाइन शुरू करेंगे, पहले जो ऑफिस था वहाँ शुरू नहीं कर पाते, तो हमने बहुत सारी चीज़ें इनहेंस करनी शुरू करी। अभी रिसेंटली मैंने फाइनेंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, मैं खुद CA ड्रॉप आउट हूँ, तो मुझे काफ़ी कुछ पहले से भी पता था, बहुत सारी अकाउंट्स, मैंने 15 साल अकाउंट्स पढ़ाया है बच्चों को, तो फाइनेंस में क्या चीज़ें अपॉर्चुनिटी है मैं उसके बारे में जानता हूँ। और मुझे लगता है इंडिया में फाइनेंस की लिटरली एजुकेशन बहुत कम है, लोगों को अवेयर करना चाहिए, और मैं सोच रहा हूँ कि आई एम रेडी टू प्लान की समथिंग कुछ ऐसा करना चाहिए। तो ऑफिस हुआ है तो टीम बड़ी है, लोग बड़ा है, एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, तो कुछ तो अच्छा होगा ही मुझे ऐसा लगता है अगर हम अच्छे से करेंगे। सर यूट्यूब के अलावा काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि भाई हम और किसी से और, मतलब यूट्यूब हम नहीं कर पा रहे, और किसी चीज़ से अर्निंग कर सकते हैं हम, एक तो होता है यूट्यूब में रह करके भी कर सकते हैं, यूट्यूब के अलावा भी कर सकते हैं सर। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अभी 3-4 दिन पहले अपने वीमे क्रिएटर चैनल की स्टोरी में डाला था कि लाइक मेरे कितने सोर्सेज हो सकते हैं और एक आपके भी कितने सोर्सेज हो सकते हैं अगर आप यूट्यूब पे हैं। तो मैंने शायद वो दिखा के, मैं एक बार वो देख के पढ़ना चाहता हूँ एग्जैक्ट जो मैंने क्या लिखा था। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ अपना एडसेंस की अर्निंग के 6 सोर्सेज मैंने लिख दिए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी नजरों में लाइक एडसेंस, कोर्सेस, एफिलिएट, रेंटिंग इनकम, डिविडेंड, स्पॉन्सरशिप, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक यूट्यूबर के लिए। जब आप अपने पैसे अर्न करते हो तो आपको अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, और ड्यूरिंग द केस आपको अलग अलग वे ऑफ अर्निंग भी स्टार्ट करनी चाहिए। कहते हैं ना अगर आप मिलियनर बनना चाहते हो तो 7 फिगर इनकम आपकी होनी चाहिए, कि 7 तरीके से आपके पास पैसे आने चाहिए। हाँ, परसेंटेज रेशियो किसी का ज़्यादा किसी का कम हो सकता है, लेकिन तरीके आपके पास कम से कम 7 हो। और राइट नाउ मेरे पास तकरीबन 10 वे हैं जहाँ से मेरी अर्निंग आती है, सबके अपने अपने 100 में से सम ऑफ परसेंटेज हैं, बट सब बढ़िया है। सर जो अभी हमारी ऑडियंस इस वीडियो को देख रही है उसको सर आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा यार, इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए ना, और इनसे बने रहिए, बहुत ही डेडिकेशन होकर ये यूट्यूब की टिप्स और ट्रिक्स शेयर करते हैं आपके साथ। मैं कई बार इनके चैनल को देखता रहता हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली इनकी जो जर्नी थी, पहले मेरे ख्याल से आप किसी न्यूज़ चैनल में वर्क करते थे कुछ टाइम के लिए, फिर ये हमारे पास आए थे आप लाइक कुछ टाइम के लिए, स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम भी थी आपके साथ जो आपने मुझसे शेयर करी थी। तकरीबन इनका सफ़र हमारे यहाँ 1.5 साल के करीब रहा, उसमें हमने बहुत से हैप्पी मोमेंट्स क्रिएट करे, बहुत सी यादें हैं, बहुत सी वीडियोस इन्होंने हमारे चैनल पे बनाई हैं, और ये सब चीज़ें चली हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इनके साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, इनकी वीडियोस को रेगुलर आके देखिए। थैंक यू सो मच आलिम, आप आए हो। सर थैंक यू सो मच, आपने हमारी ऑडियंस को इतना अच्छा मतलब एक मोटिवेट ही कर दिया। सर जो नए क्रिएटर्स हैं वो मतलब बहुत कुछ सोचते हैं ना स्टार्टिंग में, लेकिन वो कोई कोई कर पाता है, कोई कोई नहीं कर पाता है। बिल्कुल, देखिए यूट्यूब क्या है ना, मैं आपको सिंपली बात करना चाहता हूँ, यूट्यूब कोई ऐसा वे ऑफ स्टडी नहीं है कि 12वीं कर ली आपको डिग्री मिल जाएगी, आपने 1 साल और पढ़ लिया डिग्री मिल जाएगी। उस 12वीं करने के दौरान कोई कम पढ़ रहा है, कोई ज़्यादा पढ़ रहा है, परसेंटेज कम ज़्यादा, लेकिन डिग्री सबको मिल गई, यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये भी थोड़ा सा अगर आप सहें कि कंसिस्टेंट तो रहना ही रहना है, साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी है, आपके अंदर फन लविंग भी हो, आप सब कुछ होनी चाहिए। आप ट्यूशन टीचर पढ़ने जाते हो, आप उससे छोड़ क्यों नहीं पाते, क्योंकि दूसरी जगह जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, पता नहीं वो कैसा पढ़ाता है, उसकी फीस मनी ज़्यादा है कम है, यहाँ तो मोबाइल में ऑप्शन है, तुम अच्छा नहीं दिखो दूसरे क्या करो, वो ज़्यादा अच्छा था आपके बारे में भूल जाएंगे लोग। तो आपको अपने ऊपर हमेशा चेंजेस लाने पड़ेंगे, डेवलप करते रहिए, रियल रहिए, वो ज़्यादा बेटर है, उससे लोग आपको पसंद करेंगे। थैंक यू सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, भाई सर बहुत बिजी रहते हैं लेकिन सर ने फिर भी हमें अपना कीमती समय दिया, सर थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर।